गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ कॉमन एरर्स की बात करेंगे। ये सभी कॉमन एरर्स मिसलेनियस टॉपिक्स पर आधारित होंगे। ये कॉमन एरर्स आने वाले एग्जाम्स के लिए विशेष तौर पर सीजीएल और सीपीओ जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। ये सभी जो आज मिसलेनियस कॉमन एरर्स होंगे ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, लेकिन इन कॉमन एरर्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे और वहां पर पीडीएफ में मौजूद आप पहले आप इन कॉमन एरर्स को बनाएं, इसके बाद ही आप इस वीडियो के सहायता से आप अपने परफॉर्मेंस के एनालिसिस करें जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो मेरा सलाह यही है कि डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखने के बजाय आप एक बार कॉमन एरर बना लें और इसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस को आप इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करें, उनके कारण समझें कि वो आंसर क्यों है, पार्ट आपका एक क्यों गलत है, पार्ट बी क्यों सही है, या आपका पार्ट क्यों गलत है और इसमें जो आंसर शीट दिया हुआ है वो क्यों सही है, उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो चलिए आज के इस कॉमन एरर्स की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। चलिए क्वेश्चन नंबर एक आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, यू कांट डिनाई दैट ही हैज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग। देखिए एंड वाली बात जो है ये पिछले वीडियो में भी हो चुका है। एंड क्या करता है, एंड से संबंधित सवाल आपको जरूर और जरूर मिलेंगे कॉमन एरर्स के तौर पर। एंड क्या करता है, एंड दो पैरेलल चीजों को जोड़ने का काम करता है। एंड से रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। देखिए एंड क्या करता है, दो बराबर चीजों को जोड़ता है, यानी कि एंड के पहले जैसा एंड के बाद वैसा, एंड दो बराबर चीजों को जोड़ता है। आप अगर क्वेश्चन पर नजर डालेंगे तो इसमें एंड जो है ना वो दो नाउन को जोड़ रहा है, एंड के पहले एक इंटरेस्ट है, एंड के पहले एक इंटरेस्ट है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और एंड के बाद जो है ना एप्टीट्यूड है। तो चलिए अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि एप्टीट्यूड के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगा हुआ है जो एप्टीट्यूड लेता है, मतलब एप्टीट्यूड के साथ ना हम फॉर का यूज करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ फोर का यूज नहीं होता है, इंटरेस्ट के साथ दूसरे प्रीपोजिशन का यूज होता है। इंटरेस्ट के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है, एंड के साथ बराबर चीज होना चाहिए, एंड के साथ बराबर चीजों का होना जरूरी है। एंड के पहले जैसा, एंड के बाद वैसा, यदि एंड के बाद एप्टीट्यूड फोर है तो एंड के पहले इंटरेस्ट जो प्रीपोजिशन लेता है वो होना चाहिए, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट के साथ इनका होना जरूरी है। अब हम आंसर देखते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा। अब हमारा इंटरेस्ट पार्ट बी में है, इन भी पार्ट बी में होना चाहिए, अतः हमारा जो फर्स्ट सवाल है इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। चलिए हम लोग सवाल नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, कर रहा क्या, आई डोंट सी ए फन इन प्रैक्टिकल जोकिंग। मैं प्रैक्टिकल जोकिंग में मतलब कोई तरह का मजा आनंद नहीं देखता हूं। देखिए फन क्या है, फन एक जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, पहले फन को समझें। फन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जैसा कि आपको नाउन सेक्शन में बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि यहां पर जो फन के साथ जो ए लगा है वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम सुधार कहां कर रहे हैं, पार्ट ए में कर रहे हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए बनेगा। चलिए नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए सवाल थर्ड को देखा जाए। कह रहा है क्या, He is the same man who has helped me in my work. यह वही आदमी है जिसने मेरे काम में मेरी मदद की है। देखिए आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि कुछ इस तरह के कंडीशंस हैं जबकि हम who या which के जगह पर that का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, who या which के जगह पर that का प्रयोग करेंगे। अब वैसे कौन कौन से कंडीशंस हैं, तो जब सेंटेंस में जब आपको सेम मिले, जब आपको नथिंग मिले, जब आपको समथिंग मिले, तो ऐसे मामलों में हम हु या विच के जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेम के साथ हु या विच के जगह पर दैट का प्रयोग होना चाहिए। तो जहां पर आप हु देखते हैं वहां पर दैट होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में सेम का प्रयोग हुआ है। अगर सेंटेंस में सेम ना होकर कोई दूसरा वर्ड होता तो यह मैन के लिए हु का प्रयोग सही होता। तो इसका मतलब है कि हम जो सुधार कर रहे हैं वो पार्ट बी में कर रहे हैं। क्या करना है हमें,
हु को हटा करके हमें दैट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर जो होगा हमारा बी बनेगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। कह रहा है आई नेवर हैव एंड विल नेवर डिसोबे माय एल्डर्स, इसका हिंदी क्या बनेगा? कि मैंने अपने बड़ों का कभी कहने का मतलब डिसोबे नहीं किया है और ना करूंगा, ठीक है ना। मैं अपने बड़ों का कभी अवज्ञा नहीं किया हूं और कभी अवज्ञा नहीं करूंगा। एंड वाली बात फिर यहां पर देखिए, एंड क्या करता है पहले आप ऐसे समझिए। अभी बात हुआ है ना, एंड दो बराबर चीजों को जोड़ता है। एंड के बाद हम क्या देखते हैं, विल नेवर है, ठीक है ना। विल के बाद क्या होता है, वीवन होता है ना, विल और सेल के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, भर्ब का पहला रूप। चलिए तो एंड के बाद जो ऑक्सिलरी भर्ब है उसका भी तो मेन भर्ब होना चाहिए। एंड के बाद का ऑक्सिलरी भर्ब विल है, तो इसका मेन भर्ब है ना ये वीवन है, जो कि हम लोग डिसोबे के रूप में देख रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर जो एंड के पहले जो हमारा जो आई नेवर हैव के बाद V3 होना चाहिए, विल के बाद V1 होता है, तो हैज हैव के बाद क्या होता है, V3 का प्रयोग होना चाहिए। ये दोनों बराबर चीजों को जोड़ेगा। इसका मतलब है कि दो ऑक्सिलरी वर्ब है तो दो मेन वर्ब होना चाहिए। एक में मेन वर्ब दिया है लेकिन एक में मेन वर्ब गैप है। इसका मतलब है कि हमें V3 डिसोबे का हमें V3 की जरूरत है। डिसोबे का V3 क्या करना है, उसमें ED का केवल कनेक्शन ऐड कर देना है। इसका मतलब है कि एंड के पहले क्या होना चाहिए, है ना, हैव डिसोबेड, क्या होना चाहिए, हैड डिसोबेड यहां होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको साफ अगर ढंग से लिखे तो हम इस प्रकार लिख पाएंगे, ठीक है। यहां डिसोबे के जगह पर हमें डिसोबेड की जरूरत है। चलिए इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर क्या बनने जा रहा है, हमारा राइट आंसर जो है ना वो 4 का राइट आंसर ए बनने वाला है, ठीक है ना। जहां पर हमें डिसोबे, सॉरी हमारा जो एक बार इसको फिर से क्लियर कर देते हैं, हैव के बाद हमें V3 की जरूरत है, ठीक है ना। V3 क्या होना चाहिए, डिसोबे का V3 डिसोबेड होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न बच्चों परीक्षा में बहुत बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। दो तरह का ऑक्सिलरी वर्ब देगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ मेन वर्ब लेगा, लेकिन एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं रहेंगे, आपको वहां पर मेन वर्ब देना है, ठीक है। हैव के बाद डिसोबेड की जरूरत है, अतः हमारा 4 का राइट आंसर जो बनेगा वो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ऑल दो इट वॉज हॉट, हालांकि गर्म था, बट रोहन वॉज वियरिंग ए वूलन सूट, लेकिन जो रोहन था ना एक ऊनी कपड़ा पहना था। देखिए पहले आप इस बात को समझिए कि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए रूल क्या कहता है, कि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन पर्याप्त होता है। यदि हमें दो क्लॉज को कनेक्ट करना है आपस में, यदि दो क्लॉज को आपस में हमें जोड़ना है, तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करता है, ठीक है। कंजंक्शन हम वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हैं और हम वाक्य के मिडिल में भी लिख सकते हैं। दो क्लॉज के मिडिल में भी हम कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज को समझा जाए, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन पर्याप्त है। सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, ऑल्दो एक कंजंक्शन हमारा दिया हुआ है। अब ऑल्दो के साथ बट नहीं होता है ना, अगर होता भी है तो पुराने अगर अंग्रेजी के अनुसार हम बात करें, अगर हम ओल्ड इंग्लिश के अनुसार बात करें तो ऑल्दो के साथ एट का प्रयोग होता है, और नहीं तो अब तो ऑल्दो के साथ एट लगता भी नहीं है, सीधे कॉमा से सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो पार्ट आप बी में जो आप बट देखते हैं वो बट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप उसे कॉमा से सेपरेट कर दे, कॉमा से अलग कर दे। इसका मतलब है कि 5 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। माय वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रश टू मीट मी एट द इवेंट, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल कॉमन एरर, मतलब इस तरह के कॉमन एरर बनाने के लिए आपको कोई विशेष नियम की ओर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जो कॉमन एरर वास्तव में कॉमन एरर होते हैं, हम लोग बहुत उसको बड़ा समझ लेते हैं और एक नियम का एक हम लोग ग्रंथ की ओर भागते हैं कि मैक्सिमम नियम पढ़ने की ओर सोचते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन एरर्स को देखेंगे, अगर आप उनको एनालिसिस करेंगे, तो आपको यही बात का एहसास होगा कि प्रैक्टिस आपको वहां तक पहुंचा देगा। आपको ज्यादा नियम के बजाय ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत कठिन नियम से कॉमन एरर कभी नहीं पूछे जाते हैं। जो कॉमन एरर के जो सवाल होते हैं विशेष तौर पर SSC CGL में CPO में बैंक PO जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में,
जो कॉमन एरर होते हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेंथ उनका बड़ा हो, लंबा हो, छोटा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें जो कॉमन एरर जो दिया जाता है ना, वो बहुत बेसिक दिया जाता है। आपको उसके लिए कोई बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें क्या कॉमन एरर दिखाई देता है, हैव के बाद भी थ्री, ये एक साधारण सा अंग्रेजी के जानकारी रखने वाला भी आपको बता देगा कि हैव के बाद भर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, हैविंग के बाद फिनिश है, जो कि फिनिश्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिक्स का हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो ए होगा, सिक्स का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, फिनिश के जगह पर फिनिश्ड होना चाहिए, हैव के बाद भी थ्री का प्रयोग होता है। चलिए नंबर सेवन की ओर देखते हैं। नंबर सेवन सवाल क्या कर रहा है, ही मेड मी टू डू ऑल द वर्क, है ना, उसने मुझसे सारा काम करवाया। देखिए मेक का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेक का क्या स्ट्रक्चर है, तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट, देखिए मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, और इसके बाद जो आने वाले जो वर्ब होते हैं ना वो बिना टू के होते हैं, मतलब बेयर इंफिनिटी, ठीक है ना। इसके बाद जो वर्ब आएंगे ना उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं, ठीक है ना, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम क्या बताते हैं कि हम काम स्वयं से नहीं करते हैं, हम काम किसी से करवाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं चलिए मैंने अपना बाल कटवाया, थोड़ा आप इसको देखें, मतलब मैंने खुद नहीं काटा, किसी को बोला कि तुम मेरा बाल काट दो। चलिए तो जब हम काम खुद से नहीं करते हैं और काम किसी से करवाते हैं तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अपना बाल कटवाया, अगर इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आई मेड, पास्ट टेंस है तो मेक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, माई हेयर है, ठीक है ना, आई मेड माई हेयर कट, ठीक है ना, आई मेड माई हेयर कट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एरर क्या होना चाहिए, एरर क्या है, यहाँ पर टू कट अगर होता तो एरर होता। चलिए क्वेश्चन की ओर लौटते हैं, मेक के बाद ऑब्जेक्ट है, अब इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो बेयर इंफिनिटिव होगा, ये इसका मतलब है कि उसमें टू डू नहीं होगा, केवल डू होगा। इसका मतलब है कि हमारा सेवन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए हम लोग नंबर एट की ओर देखते हैं। नंबर एट सवाल क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए कर है क्या कि when I met him, ठीक है ना, the couple of days back he was writing a new book, ठीक है ना, जब मैं उसे कुछ दिन पहले मिला तो वो किताब लिख रहा था। देखिए कपल के साथ जब संख्या लेते हैं, कपल का मतलब यहाँ जैसे हस्बैंड और वाइफ का जो जोड़ा होता है ना वो कपल नहीं है, यहाँ पर कपल का मतलब यहाँ दो, संख्या दो का बोध है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कहते कपल ऑफ डेज का मतलब दो दिन, आप ऐसे समझिए, तो कपल के साथ ना द का प्रयोग नहीं होगा। जब हम कपल को जब हम पीस, पार्ट, पैकेट, बोतल, ग्लास के तरह देखते हैं तो कपल के साथ ए एन का प्रयोग होता है। हाँ जब हस्बैंड और वाइफ वाली बात होती तो यहाँ द कपल होता, लेकिन यहाँ पर कपल ऑफ डेज का मतलब है कि दो दिनों से, कुछ दिनों से, आप इसको ऐसे मान के चलिए। तो जब हम संख्या के तौर पर लेते हैं तब कपल के साथ ए का प्रयोग होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस सवाल में द के जगह पर कपल के साथ ए का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है, एट का राइट आंसर जो होगा वो कपल के साथ द का प्रयोग के जगह पर ए का प्रयोग होगा। राइट आंसर एट का आंसर बी होना चाहिए। नाइन नंबर की ओर आते, क्वेश्चन नंबर नाइन, करके ही फेल हैवली, वो बहुत भयंकर रूप से गिरा, ठीक है ना, एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन, और उसको ये जो चीज है गिरना बहुत ज्यादा दर्द पैदा किया। देखिए पेन क्या है, पहले पेन को पहले समझते, पेन क्या है, पेन एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आपको आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ जाए तो एडजेक्टिव जुड़ने से ना ये कोई पर्टिकुलर नाउन हो जाते हैं, कोई खास नाउन हो जाते हैं, तब इस अवस्था में हम इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए मतलब ग्रेट पेन होना चाहिए ग्रेट पेन के जगह पर। जैसे कि अगर हम कहते हैं नॉलेज, अब नॉलेज कौन सा नाउन है, तो नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, आमतौर पर हम नॉलेज के साथ ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज का अच्छा ज्ञान रखते हैं, अब गुड नॉलेज हमारे पास अंग्रेजी का गुड नॉलेज है, अब ये गुड नॉलेज कोई खास नॉलेज हो गया, तो उसी तरह से यहाँ ग्रेट पेन एक खास पेन हो गया, तो इसके साथ ए लगेगा, तो इसी तरह से गुड नॉलेज के साथ भी ए लगेगा। हो सकता है कि किसी के पास अंग्रेजी का एक अच्छा ज्ञान हो, इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रेट पेन की जगह पर ए ग्रेट पेन होना चाहिए। हमारा नाइन का आंसर सी होना चाहिए।
चलिए हम लोग नंबर 10 की ओर आगे देखते हैं। नंबर 10 क्या कहता है, करेक्ट, एज एन आर्टिस्ट ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। देखिए जब हम पॉजिटिव डिग्री में तुलना करते हैं तो एज जो होता है ना, एक तरफ में एज दोनों तरफ होता है, एक तरफ एज ये कॉमन एरर की दृष्टिकोण से गलत है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि राम उतना ही लंबा है जितना मोहन, हम इस वाक्य को कैसे डील करते हैं, राम उतना ही लंबा है जितना मोहन, तो हम ऐसे लिखते हैं राम इज एज टॉल एज मोहन, ठीक है। चलिए अब एज जो होता है ना वो वाक्य के एडजेक्टिव के दोनों तरफ होता है, जो एज होता है ना वो दोनों तरफ होता है। इसमें क्या कर रहा है कि एज एन आर्टिस्ट एक कलाकार के तौर पर ही इज एज गुड एज If not better than रमेश, यानी कि अगर रमेश से बेहतर नहीं है तो रमेश इतना ही अच्छा वो कलाकार है, यानी कि इसमें पॉजिटिव भी है और इसमें कॉम्परेटिव भी है, ओके? तो बेटर के साथ तो देन लगा है, लेकिन एज यहां अकेले है, वहां पर दोनों तरफ ऐसे वो जो आपका जो गुड है ना वो दोनों तरफ ऐसे बंधा होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें दूसरा तरफ एज देने की जरूरत है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो 10 का राइट आंसर होगा वो पार्ट बी होना चाहिए, एज गुड एज होना चाहिए। चलिए नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 देखा जाए, चलिए करें कि ही हैज रिटेन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर। देखिए ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होता है, ऑटोबायोग्राफी व्यक्ति खुद लिखता है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी दूसरे का जब जीवनी लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब स्वयं होता है, अगर उसके पिता ने लिखा होता तो वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा होता, लेकिन चूंकि वो अपने पिता का वो जीवनी लिख रहा है, यानी कि वहां पर ऑटोबायोग्राफी के जगह पर केवल बायोग्राफी होना चाहिए, तो यहां पर ऑटोबायोग्राफी का गलत प्रयोग किया गया है। हमारा 11 का राइट आंसर बी बनेगा। हम लोग 12 की ओर आते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखा जाए। ही रैन सो फास्टली दैट ही वॉज एबल टू ओवरटेक द स्कैपिंग थीफ। इतना तेज दौड़ा कि स्कैपिंग थी भागते हुए चोर को वो पकड़ लिया, पकड़ पाने में सक्षम हुआ। देखिए फास्ट एक एडजेक्टिव है, पहले इसको आप पहले बेहतर रूप से समझे। फास्ट एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का एडवर्ब रूप फास्ट ही होता है। फास्टली ये वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है, फास्टली नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। मतलब फास्ट जो है एडजेक्टिव भी है और इसी रूप में ये एडवर्ब भी है। जैसे कि हमको कहना है कि तेज दौड़ो, हम कैसे बोलते हैं, रन फास्ट। अब ये वर्ब का विशेषता है, एडवर्ब बताता है ना, यहां पर ये वर्ब है, रन क्या है वर्ब है, फास्ट क्या एडवर्ब है, तो इसका मतलब रन फास्ट, कम फास्ट, गो फास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सब मामलों में फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है, और फास्टली शब्द होता ही नहीं है, तो यहां पर फास्टली का जो यूज है वो गलत है। 12 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, करके व्हाट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश ही कांट रीड इवन हिंदी। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी की क्या बात करे वो तो हिंदी में नहीं पढ़ सकता है। देखिए ये व्हाट टू स्पीक ऑफ जो होता है ना ये थोड़ा सा इनफॉर्मल यूज है, मतलब ऐसा नहीं होता। व्हाट टू स्पीक ऑफ जो होता है ना बोलचाल में हम कह सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मल और जो सही रूप है वो है नॉट टू स्पीक ऑफ। व्हाट टू स्पीक ऑफ नहीं, नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है ना। What to speak of जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं आता है। What to speak of के जगह पर होना चाहिए not to speak of, ठीक है ना, not to speak of होना चाहिए। What to speak of का मतलब ऐसे क्या होता है कि इसकी क्या बात करें। जैसे कि मैं किसी के घर गया, उसने मुझे चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा, चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो हम लोग कैसे कहते हैं, चाय की तो बात छोड़ो पानी के लिए भी नहीं पूछा, तो इसे हम कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ से व्हाट टू स्पीक ऑफ के जगह पर। इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए ए होना चाहिए, व्हाट के जगह पर नॉट का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। 13 का राइट आंसर जो बनेगा वो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ही कीप्स हिमसेल्फ अब्रेस्ट विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो उन चीजों से वाकिफ रहता है जो दुनिया में घट रही है। देखिए यहां पर अब्रेस्ट के साथ ना प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि चीजों से वाकिफ होना। तो यहां पर जो प्रीपोजिशनल एरर है अब्रेस्ट के साथ, वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। 14 का राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं 15 नंबर का सवाल क्या कहता है।
इट इज नो यूज लर्निंग बाय रोट एनी फ्रेज विच यू डोंट अंडरस्टैंड। देखिए एक गलत फ्रेज का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है ना। एक फ्रेज क्या होना चाहिए, पहले फ्रेज क्या होना चाहिए पहले आप इसको समझे, ठीक है ना। देखिए होना चाहिए कि बाय रोट होना चाहिए, ये रोट होना चाहिए। बाय रोट का मतलब होता है रट रट कर। अगर कोई चीज को अगर आप रटंत विद्या द्वारा याद करते हैं, रटंत तरीके से याद करते हैं, तो वो जो चीज होता है ना बाय रोट, ये रोट होता है, डब्ल्यू आर ओ टी नहीं होता, ये रोट होता है। वहां पर डब्ल्यू आर ओ टी का गलत प्रयोग किया गया, बाय रोट होता है। इसका मतलब होता है अगर सिंपल भाषा में कहें तो रट कर। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे अपने लेसन को कैसे याद रखते हैं, रट कर। अगर इसी चीज को लिखे तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए तो ये होना चाहिए। देखिए ये क्या कहता है कि चिल्ड्रेन लर्न देयर लेसन्स, जो बच्चे हैं अपने लेसन्स को सीखते हैं कैसे, बाय रोट रट करके। तो जब रट कर कहना है तो डब्ल्यू का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां पर, वहां पर बाय रोट का उच्चारण, सॉरी बाय रोट का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा पार्ट ए गलत है। 15 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नंबर 16 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द नंबर ऑफ पोइट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। चलिए देखिए यहां पर बच्चों बहुत ही सिंपल एरर है और इसकी बात नाउन वाले वीडियोस में किया गया है। द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का क्या स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर, ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लुरल, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर। जहां पर आप आर देखते हैं इस वाक्य में वहां पर इसका प्रयोग होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है ये, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कॉमन एरर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप सवाल बना लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पर चला जाएगा। आपको इसके लिए कोई नियम और कोई बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल आप बना ले और इसके बाद देखिएगा आपके जो जितने भी आप पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक और जो कुछ भी पढ़े हुए उस पर ज्यादा आपको मंथन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग रूल्स बहुत बड़े बड़े पढ़ते हैं कि हो सकता है कि ये आ जाए वो आ जाए, मन में बहुत सारे हमारे क्वेरीज भी होते हैं, सवाल भी होते हैं, लेकिन आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कॉमन एरर वास्तव में बेहद कॉमन एरर होते हैं, बस उन्हें केवल प्रैक्टिस में रखने की जरूरत है। तो चलिए यहां पर आर के जगह पर इसका प्रयोग होना चाहिए। 16 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आई विल स्टैंड बाय यू इन थिक एंड थिन, ठीक है ना। मतलब कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इस प्रश्न का हिंदी रूपांतरण नहीं होगा। देखिए ईडियम क्या है, ईडियम इन नहीं है, ईडियम में ना थ्रू का इस्तेमाल किया गया है, थ्रू थिक एंड थिन। इडियम्स क्या है ना, इन नहीं है, इन के जगह पर क्या होना चाहिए, थ्रू, ठीक है ना, थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या होता है, हर परिस्थिति में इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में, मतलब कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यहां पर इन के जगह पर थ्रू का प्रयोग होना चाहिए। पार्ट बी हमारा राइट आंसर बनेगा। 17 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए हम नंबर हम लोग 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 देखते हैं, सवाल नंबर 18 करेंगे, द कंटेंट्स ऑफ द रूम कंसिस्टेड ऑफ ए कारपेट एंड सम फर्नीचर्स। देखिए फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और आपको बताया गया है कि किसी अनकाउंटेबल नाउन में हम बाहर से एस नहीं ऐड करते हैं। अगर उसमें पहले से एस है तो ठीक है, जैसे न्यूज, न्यूज में हम लोग क्या देखते हैं, पहले से एस है। आप ऐसे समझे इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट है, इसमें पहले से एस है, तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। आप कहिएगा कि सर इसमें तो एस लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, लेकिन फर्नीचर में हम क्या देख रहे हैं कि हम बाहर से एस लगा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्नीचर के जगह पर फर्नीचर का प्रयोग होना चाहिए। 18 का राइट आंसर बनेगा हमारा सी, फर्नीचर के जगह पर फर्नीचर होना चाहिए। आते हैं नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ही इज द एबलेस्ट मैन इन द टाउन।
ठीक है ना, वह शहर का सबसे एबलेस्ट मैन है, मतलब सबसे योग्य आदमी है। चलिए देखते हैं, ही इज, ये लाइन ठीक है, ये खंड ठीक है, चलिए द एबलेस्ट मैन। अब सुपरलेटिव एबल, एबल से बना एबलेस्ट, ये ठीक है। चलिए मैन इन द टाउन, तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है। 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए नंबर आते हैं नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। कह रहा है क्या, द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना, एंड हिज पॉकेट सर्च्ड, और उसका जो पॉकेट है ना उसके तलाशी ली गई। एंड क्या करेगा, बराबर चीजों को जोड़ेगा। अगर एंड के पहले आप देखते तो वाज अरेस्टेड, तो एंड के बाद होना चाहिए वाज सर्च्ड, चूंकि वाक पैसिव में है ना, वाक पैसिव में है, इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए, जो सर्च के पहले वाज का प्रयोग होना जरूरी है, तो 20 का राइट आंसर बनेगा सी बनेगा। चलिए आते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कहता है, ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास है ना सिंग वेल। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ईच ऑफ का आप स्ट्रक्चर याद करें, हमारे डिटरमिनर टॉपिक में भी हुआ है और नाउन टॉपिक में भी हुआ है, ये सारी चीज हो चुके हैं, जो कि इस चैनल पर उनकी वीडियो अवेलेबल है, अगर आप उनको एक बार पढ़कर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। चलिए अब उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर, अब सिंग जो है वो तो प्लुरल है, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में एस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। अगर हम किसी वर्ब में एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, नाउन में आमतौर पर क्या होता है कि नाउन में एस लगा करके उसको प्लुरल बनाते हैं, एक मतलब एक जनरल रूल की मैं बात कर रहा हूं, वर्ब में एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। अब सिंग को, सिंग एक वर्ब है, उसको सिंगुलर बनाना है, उसके साथ क्या करेंगे, उसमें एस ऐड करेंगे, इसका मतलब है कि जहां पर आप सिंग देखते हैं वहां पर सिंग्स होना चाहिए। 21 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए नंबर आते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सी फॉरवर्ड टू लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन हरी। देखिए फ्रेज क्या है, जल्दीबाजी में वो रूम से बाहर निकली तो लॉक करना भूल गई, सवाल का हिंदी रूपांतरण ये है। देखिए फ्रेज क्या होता है, इन हरी नहीं होता है, अगर कोई काम अगर आप जल्दीबाजी में करते हैं तो इन्हें हरी करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हरी के साथ हमें ए लगाने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि हम कहां पर सुधार कर रहे हैं, पार्ट सी में सुधार कर रहे हैं, हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए हम आते हैं 23, सवाल नंबर 23, चलिए 23 सवाल देखते हैं। कह रहे हैं क्या, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, जब टेस्ट पूरा हो जाए तो क्लास छोड़ सकते हो तुम। देखिए मे, माइट, कैन, कुड, ये सब क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे बड़ा नियम क्या कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ना वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। देखिए ये भी वन, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, मे के बाद क्या कर दिया गया, लेफ्ट, यानी कि भी थर्ड का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि गलत है, नहीं क्या होना चाहिए, मे के बाद लीव होना चाहिए, भी वन होना चाहिए। बहुत ही सरल ये कॉमन एरर्स हैं, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस रखते हैं तो आप अच्छा स्कोरिंग करेंगे, तो इसका मतलब है कि मे लेफ्ट के जगह पर मे लीव होना चाहिए, हमारा 23 का राइट आंसर ए होगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहे कि आई वॉन्ट बी हियर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में यहां नहीं रहूंगा, ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई टू ए कॉन्फ्रेंस, मैं मुंबई जा रहा हूं कॉन्फ्रेंस के लिए, ये होना चाहिए ना, तो टू ए कॉन्फ्रेंस के जगह पर फोर ए कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जहां पर आप टू देख रहे हैं ना वहां पर फोर होना चाहिए, टू का प्रयोग गलत है, यहां पर फोर ए कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम करेक्शन कहां करने जा रहे हैं, पार्ट सी में करने जा रहे हैं, 24 का राइट आंसर जो होगा वो सी होना चाहिए। चलिए हम आते हैं नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चलिए कह रहे क्या, दिस हाउस इज टू मच स्मॉल फॉर 10 पीपल, यानी कि 10 लोगों के लिए यह घर बहुत ही छोटा है। देखिए एक बहुत ही बेसिक रूल क्या कहता है कि जो टू मच होता है, टू मच के बाद नाउन होना चाहिए, यदि टू मच अगर दिया है तो अगला वर्ड नाउन होना चाहिए,
लेकिन अगर अगला वर्ड अगर एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो ये पलट जाएगा, यानी कि मच टू होना चाहिए। अब आते हैं सवाल की तरफ। पहले आप इन दो स्ट्रक्चर्स को पहले देखिए। आप नाउन के साथ प्रयोग होता है टू मच, बहुत ज्यादा, जैसे ही हैज टू मच मनी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आई हैव टू मच टाइम टू फिनिश द वर्क, मेरे पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय है। तो ये पैसा और जो समय है ये क्या है, नाउन है, तो मैंने टू मच का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव है और उसकी मात्रा आपको ज्यादा बताना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मच टू होना चाहिए। ये जो घर है 10 लोगों के लिए बहुत और बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि वहां पर टू मच के जगह पर मस्ट टू होना चाहिए। हमारा राइट आंसर जो होगा वो पार्ट बी होगा। 25 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो पार्ट बी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए। द यंग मैन रिफ्यूज्ड हैविंग स्टोलन द वॉच। देखिए, जब आप कोई चीज को नकारते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है, कोई आरोप, कोई दोषारोपण, किसी चीज को नकारते कि ये मैंने नहीं किया है, तो आप उसको रिफ्यूज नहीं करते हैं, आप उसको डिनाई करते हैं। पहला तो चीज ये है, रिफ्यूज और डिनाई में अंतर यह है कि डिनाई आप क्या करते हैं, आप कोई चीज को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि मैंने इसको नहीं किया है। कोई चार्ज, कोई एलिगेशन, कोई आरोप, कोई दोषारोपण को आप अस्वीकार करते हैं। दूसरा चीज क्या है, अब वैसे भी आप देख सकते हैं, देखिए रिफ्यूज के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो 2+V1 होता है, जबकि डिनाई के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो V4 होता है। ये पहले ग्रामेटिकल तरीका से इसको समझिए। पहले आप उसको छोड़ दें, डिनाई का अर्थ छोड़ दें और रिफ्यूज का अर्थ छोड़ दें। हमें हैविंग को भी देखना है, हैविंग क्या लेगा अपने साथ, हैविंग को नहीं बदलना है, हैविंग तो जस का तस रहेगा। तो V4 के साथ डिनाई का प्रयोग होता है और V1 के साथ रिफ्यूज का प्रयोग होता है। यहां पर हैविंग के वजह से रिफ्यूज के जगह पर डिनाई होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस आंसर को हम दो तरीके से सुधार रहे हैं, एक तो हैविंग के वजह से हमने रिफ्यूज को डिनाई किया, और दूसरा चीज क्या है कि जब आप कोई चीज को स्वीकार करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमने चोरी नहीं किया है, इसका मतलब है कि आप उसको डिनाई करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा 26 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए आते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल सुगर इंटू ए ग्लास ऑफ वाटर। बच्चों, आप इस चैनल US वर्चुअल कैंपस पर जब आप जाएंगे और जब आप इसके प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, तो आपको एक डिटरमिनर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट में ना आपको डिटरमिनर में एक वीडियो मिलेंगे, लिटिल और फ्यू, उसमें ये बात बताया गया है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, फ्यू ए फ्यू द फ्यू। जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिटिल का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इस जो ग्लास ऑफ वाटर है ना, उसमें थोड़ा सा सुगर डालो, थोड़ा डालना है आपको, यानी कि सम के सेंस में हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें जो है ना उन वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो चलिए, यहां पर लिटिल के जगह पर ए लिटिल होना चाहिए, 27 का राइट आंसर बी होना चाहिए। जहां पर आप लिटिल देखते हैं वहां पर ए लिटिल होना चाहिए। चलिए नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, करेक्ट, अनलेस यू डोंट लेबर हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। देखिए, एडवर्ब कंजंक्शन में एक आपको चीज पढ़ना है कि अनलेस के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अनलेस का खुद अर्थ होता है जब तक कि नहीं, अनलेस में खुद नहीं का भाव है। और इंग्लिश का रूल क्या कहता है कि दो निगेटिव एक साथ नहीं, अनलेस में खुद निगेटिव है, अनलेस में खुद नॉट छिपा हुआ है, अब अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिस क्लॉज में अनलेस है, अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अनलेस के साथ जो डोंट लगा है उसमें नॉट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो 28 का राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ठीक है ना। अनलेस के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम आते हैं नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। लेकर द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड बाय द जज। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में ना बाय द जज का जो पोजीशन है ना वो पोजीशन गलत है। मतलब कि जो मर्डरर को आदेश दिया गया जज द्वारा कि इसे फांसी दे दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन से क्या प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि फांसी जज दे रहा है,
है ना। सवाल के ऊपर फिर से पढ़ते हैं, द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड बाई द जज। हैंग का काम कौन कर रहा है? बाई द जज कर रहा है। ऐसा तो अर्थहीन ये बात है ना, हैंगिंग काम तो कोई और करेगा, ऑर्डर तो जज देगा ना। तो हमारा सही रूपांतरण क्या होना चाहिए इस वाक्य का? इस वाक्य का सही रूप ये होना चाहिए, द मर्डरर, ठीक है ना, द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड, ठीक है ना, बाय द जज। ऑर्डर तो ना जज दे रहा है, तो बाय द जज यहां होना चाहिए, यानी कि बाय द जज का जो प्रयोग है ना वो गलत जगह पर किया गया है। बाय जज तो ठीक है लेकिन इसका पोजीशन गलत है, ये सी के बजाय इसको बी में होना चाहिए। अब हम पूरा इस तरह से वाक्य लिखेंगे, टू बी हैंग्ड। तो चलिए, बाय द जज का प्रयोग हमारा गलत हुआ है, जो पार्ट सी में है वो हमारा गलत सेक्शन है, 29 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्या कहता है? बोथ रोहित एज वेल एज दिनेश आर इंटेलिजेंट, यानी कि रोहित और दिनेश दोनों तेज हैं। बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, एज वेल एज का नहीं। अगर कोई वाक्य में अगर बोथ लिखा हुआ है तो बोथ के साथ एंड लगना चाहिए, एज वेल एज नहीं, एज वेल एज गलत है। इसका मतलब है कि हमारा जो 30 का राइट आंसर जो होगा वो पार्ट बी होना चाहिए, 30 का राइट आंसर पार्ट बी होना चाहिए। चलिए आते हैं 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कहता है? द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ऑन यस्टरडे, कल ही न्यूज ब्रॉडकास्ट किया गया था ऑल इंडिया रेडियो से। चलिए देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे इरेगुलर वर्ब में तो ब्रॉडकास्ट जो V1 है इसका V2 और V3 ब्रॉडकास्ट ही रह जाता है। ब्रॉडकास्ट में, टेलीकास्ट में, कास्ट में इसमें ईडी का प्रयोग नहीं होता है, इसका V1 V2 V3 का रूप एक ही होता है। तो ब्रॉडकास्ट में जो ईडी लगा वो गलत है, केवल ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि 31 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए 32 में हम आते हैं, 32 का आंसर देखते हैं। 32 क्या कहता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलोआउट्स डोंट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। देखिए फॉलोआउट क्या है? फॉलोआउट एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। फॉलोआउट का मतलब दुष्परिणाम होता है। फॉलोआउट एक अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप इसको समझें। इसमें इसका प्रयोग गलत है, फॉलोआउट सही रूप से ये होना चाहिए, ठीक है ना, वो बिना इसका होना चाहिए। इसका मतलब है कि पाठ हमारा बी गलत है, 32 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। हियर इज समथिंग प्रेटी दैट यू कैन वियर एट द पार्टी। देखिए पार्टी के साथ ना ऑन का प्रयोग गलत है, पार्टी में इसका मतलब एट द पार्टी, ठीक है ना, यहाँ पार्टी के साथ एट का प्रयोग होना चाहिए। 33 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 33 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। करे क्या, माई फादर द ओल्ड गोज एवरीवेयर बाई फुट, नहीं ऑन फुट, ठीक है ना। देखिए फुट के साथ हम प्रयोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फुट वाला बात अक्सर पूछता है। फुट के साथ ना ऑन का प्रयोग होता है, हम पैदल कहीं भी जाते हैं तो ऑन फुट जाते हैं, बाय फुट नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में अगर आप बाय फुट देखते हैं वो यूज गलत है, बाय के जगह पर ऑन होना चाहिए। 34 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 34 का राइट आंसर हमारा सी बनेगा, बाय फुट के जगह पर ऑन फुट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 सवाल क्या कहता है? बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3। देखिए अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा ये ग्रीक अल्फाबेट के दो प्रथम लेटर्स हैं, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा, और इसी से अल्फाबेट शब्द बना है। अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। यहाँ पर एस का जो प्रयोग किया गया अल्फाबेट के साथ वो गलत है। इसका मतलब है कि हमारा 35 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, अल्फाबेट में जो एस का प्रयोग हुआ है वो गलत है। तो बच्चों हमारा ये आज का सीरीज कंप्लीट हुआ, ये 35 सवालों का एक मिसलेनियस टॉपिक्स पर कॉमन एरर का एक छोटा सा मैंने आपके लिए वीडियो पेश किया, आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है वो पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, सभी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, कोई भी सवाल इमेजिनरी सवाल नहीं है, ठीक है। तो बस लास्ट बात फिर भाई एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट वीडियो देखने के बजाय
आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मौजूद पीडीएफ में ये सवाल सारे मौजूद हैं। आप पहले उनको वन बाय वन करके हल करें, इसके बाद ही आप इस वीडियो के माध्यम से आप उन्हें अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। तो आज की बात बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ करेक्शन की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है, इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, यदि आपके पास कोई आइडिया है तो आइडिया हमें शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।